ये कहानी शुरू होती है एक कपल से। ये कपल अमेरिका के सिएटल शहर में रहता है। क्लेयर प्रेग्नेंट है। उसका हस्बैंड माइकल बड़ा खुश है कि घर में दूसरा मेहमान आने वाला है। इनकी पहली डॉटर एमा भी बड़ी खुश है कि उसे बेबी मिलेगा खेलने के लिए। अचानक से इस घर के बाहर एक शख्स आ जाता है। क्लेयर उसे देखकर डर जाती है। माइकल बाहर जाकर उसे धर दबोचता है। पूछताछ पर पता चला है कि ये सोलोमन है, बेटर सोसाइटी का मेंबर है। ये सोसाइटी यहाँ इस शहर में लोगों के घर में काम करती है और अपने ओनर के साथ हमेशा वफादार रहती है। सोलोमन के आने के बारे में क्लेयर को खबर थी, पर उसे ये नहीं पता था कि यही वो शख्स है। बहरहाल सोलोमन को इन्होंने हायर कर लिया है। अगले दिन क्लेयर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंची है। डॉक्टर यहाँ क्लेयर को चेकअप के बहाने उसके स्तनों को बड़े कामुक तरीके से स्पर्श करने लगता है। इसके बाद वो क्लेयर के प्राइवेट पार्ट्स को भी स्पर्श करता है। क्लेयर को हवस भरी निगाहों से देखता है। यहाँ वो क्लेयर के साथ संभोग करने की भी कोशिश करता है, पर क्लेयर जैसे तैसे यहाँ से चली आई। क्लेयर को यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भी होता है। इस बारे में वो अपने हस्बैंड माइकल से बताती है। माइकल पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता है। क्लेयर इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहती, पर माइकल कहता है कि वो डॉक्टर और भी औरतों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है। इस डॉक्टर का नाम विक्टर है। विक्टर ने पहले भी और औरतों के साथ इस तरह की हरकतें की हैं। जब क्लेयर ने इस बारे में रिपोर्ट किया है पुलिस में, तब चार और औरतें अपनी कंप्लेन लिखाने पहुंची हैं। अब डॉक्टर के अगेंस्ट केस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब विक्टर को अरेस्ट किया जाना है। पर अगले दिन खबर यह है कि विक्टर ने खुदकुशी कर ली है। विक्टर की वाइफ भी है जो कि प्रेग्नेंट है। विक्टर के सारे एसेट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। उसके खिलाफ मामले इतने संगीन हैं कि गवर्नमेंट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। उसका इंश्योरेंस भी था, पर चूंकि उसने सुसाइड किया इस वजह से इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलने वाले। विक्टर की वाइफ इतने स्ट्रेस में है कि वो अपने प्री टर्म लेबर में चली गई। उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। मामला इतना सीरियस हुआ कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी और उसके फेलोपियन ट्यूब को हटाना पड़ा। कुछ समय के बाद वो रिकवर करने लगी है। अपने हस्बैंड की मौत का वो पता लगाती है। वो ये जान चुकी है कि उसके हस्बैंड विक्टर के अगेंस्ट पहला केस किसने किया था। वो देखती है कि ये नाम क्लेयर का है। विक्टर को मरे 6 महीने बीत चुके हैं। क्लेयर ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। इसका नाम रखा गया है जोए। आजकल क्लेयर जोए की देखरेख के लिए नैनी की तलाश कर रही है। विक्टर की वाइफ पिटॉन क्लेयर के घर आती है। क्लेयर को पिटॉन पसंद आ गई और उसने पिटॉन को नैनी रख लिया। पिटॉन को सिर्फ क्लेयर से दुश्मनी है, जिसकी वजह से विक्टर की मौत हुई थी। पिटॉन को माइकल काफी हैंडसम लगता है। कई बार उसे सेड्यूस करने के लिए ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनती है, पर माइकल पिटॉन को देखता भी नहीं। पिटॉन को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जोए को अपना दूध पिलाने लगती है। सोलोमन ये देख लेता है कि पिटॉन अपने स्तन से जोए को दूध पिला रही है। जोए अब अपनी माँ क्लेयर के स्तन से दूध पीना पसंद नहीं करता। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा है कि जोए का बिहेवियर अपनी माँ के प्रति क्यों बदलता जा रहा है। इन सब के बाद पिटॉन ने एमा को भी अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। एमा को भी पिटॉन की बातें स्वीट लगती हैं। इस तरह पिटॉन इन दोनों बच्चों को क्लेयर से दूर ले जा रही है। वो माइकल पर भी कोशिशें करती है, पर अब तक तो वो कामयाब हो नहीं पाई। सोलोमन ये सब देखता है, पर वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। उसका दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं करता। वो लोगों को देखकर डर जाया करता है। आज भी जब वो पिटॉन को देख रहा है, तब पिटॉन जोए को अपने स्तन से दूध पिला रही है। पिटॉन ने सोलोमन को उसे देखते हुए देख लिया। वो सोलोमन के पास जाकर उसे वॉर्न करती है अपना मुंह बंद करने के लिए। सोलोमन डरते हुए कहता है कि वो पिटॉन को एक्सपोज कर देगा। पिटॉन कहती है कि मेरा दिमाग तुमसे तेज चलता है, और वाकई में वो सही निकली। उसने सोलोमन के टूल बॉक्स में एम्मा के पेंटीज को रख दिया। क्लेयर ने जब इसे देखा तो उसे तो यही लगा कि सोलोमन एम्मा पर गंदी नज़र रखता है। उसने सोलोमन को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा सोलोमन पिटॉन की साजिश का शिकार हो गया और यहाँ से चला गया। एम्मा की सोलोमन काफ़ी केयर करता था, पर जब एमा देखती है कि उसकी मदर ने सोलोमन को फायर कर दिया है, तब वो अपनी मदर से नाराज़ है। इस तरह पिटॉन की सारी प्लानिंग सफल होती जा रही है, बस माइकल उसके चंगुल में नहीं आ रहा। अगर वो माइकल को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए तो क्लेयर को इस घर से निकलवा सकती है और ये फैमिली पिटॉन की फैमिली हो जाएगी। क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड है मार्लिन।
इसके साथ ही मार्लिन से इस कपल का एक और कनेक्शन है। मार्लिन माइकल की एक्स गर्लफ्रेंड है। क्लेयर से शादी से पहले माइकल और मार्लिन के जिस्मानी संबंध थे, पर वो शादी हो नहीं पाई। ये सब बातें क्लेयर ने खुद पिटोन को बता दी। पिटोन को एक और एंगल मिल गया है। पिटोन माइकल से कहती है कि क्यों ना वो अपनी वाइफ क्लेयर के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करे। माइकल ऐसा करता भी है। इन सब में माइकल और मार्लिन की अकेले में मुलाकात होती है। जब क्लेयर ये सब देखती है तब वो ये अज्यूम करती है कि माइकल उसे चीट करके मार्लिन के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। क्लेयर अपने हस्बैंड पर जोर से चीखती है। बाहर खड़े लोग इस कपल की फाइट को देख लेते हैं। वेल, ये पार्टी तो हो गई, पर अब क्लेयर फैमिली वेकेशन पर जाना चाहती है, यहाँ से दूर। उसे तो कभी कभी पिटोन पर भी शक होता है, जो कि बड़ी फ्रैंक होने लगी है। उसके बच्चों के साथ भी वो काफ़ी फ्रैंक रहती है। वो माइकल से कहती है कि पिटोन के बिना ही हम अपनी फैमिली वेकेशन मनाने जाएंगे। पिटोन इनकी बातें छिप कर सुन लेती है। क्लेयर को नहीं मालूम कि पिटोन क्या वाला है। पिटोन ने ग्रीन हाउस में ट्रैप बनाया है। आज जब क्लेयर इस ग्रीन हाउस के अंदर आएगी तो वो इस ट्रैप में फंसेगी और हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो जाएगी। दरअसल क्लेयर को अस्थमा है, उसे इनहेलर की ज़रूरत पड़ती रहती है। पिटोन इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। इधर मार्लिन ने न्यूज़पेपर के जरिए ये बात जान ली है कि जो डॉक्टर मरा था विक्टर, उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि पिटोन है। मार्लिन गुस्से में क्लेयर के घर पहुंची है। यहाँ क्लेयर नहीं है बल्कि पिटोन है। मार्लिन पिटोन से कहती है कि आज वो क्लेयर के सामने उसे एक्सपोज कर देगी। पिटोन मार्लिन से कहती है कि क्लेयर ग्रीन हाउस के अंदर है। मार्लिन ग्रीन हाउस के अंदर जैसे ही जाती है वो इस ट्रैप में फंस गई और उसकी जान चली गई। जैसे ही मार्लिन ने दरवाज़ा खोला, ग्लास सीलिंग मार्लिन के ऊपर गिरा और वो मर गई। पिटोन ने तो ये ट्रैप क्लेयर को मारने के लिए बिछाया था, पर उसके पास बैकअप प्लान भी है। उसने बड़ी चालाकी से क्लेयर के इनहेलर को खाली कर दिया। क्लेयर जब ग्रीन हाउस में मार्लिन की लाश को देखती है तब सदमे में आ गई। उसे इनहेलर की ज़रूरत पड़ी है, पर जब ये खाली मिला तब वो फ्लोर पर ही गिर जाती है। यहाँ पुलिस की टीम आई है। क्लेयर को हॉस्पिटल लाया जाता है। माइकल काफ़ी दुखी है। क्लेयर हॉस्पिटल में है जबकि माइकल घर पर बच्चों की देखभाल कर रहा है। रात को माइकल जब किचन में आता है तब उसे पिटोन दिखती है। पिटोन यहाँ माइकल के करीब आती है। वह उसे किस करने लगती है। वो माइकल से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। कुछ समय के लिए माइकल भी उसका साथ देता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्लेयर को चीट नहीं कर सकता। वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। क्लेयर जब ठीक हो गई है तब वो चैन से नहीं बैठने वाली। वो विक्टर के ऑफिस के बारे में पता लगाती है। उस जगह से उसे ये बड़ी आसानी से पता चल गया कि विक्टर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि ये डायन पिटोन है। घर आकर वो पिटोन को मारती है। उसने तुरंत ही पिटोन को फायर कर दिया। पिटोन यहाँ से चली जाती है। माइकल भी सदमे में है कि इतने दिनों से ये लोग बेवकूफ़ बनते रहे। पिटोन को फायर करने के बाद भी ये फैमिली अनसेफ फील कर रही है। माइकल ने होटल बुक किया है, ये यहाँ से जाने वाले हैं। माइकल जैसे ही बेसमेंट की तरफ जाता है उसके ऊपर हमला होता है। ये पिटोन है, वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। शावल से उसने माइकल को हिट करके बेहोश कर दिया है। एमा और जोय को घर में लॉक करके क्लेयर माइकल को ढूंढने जाती है। पिटोन और क्लेयर की फाइट होती है। पिटोन क्लेयर पर भारी पड़ी है। पिटोन एमा के पास जाती है। एमा बड़ी चालाकी से पिटोन को रूम में लॉक कर देती है। जोय को लिए वो दूसरे रूम में चली जाती है। पिटोन रूम का दरवाज़ा तोड़कर एमा के पास जाती है, पर तभी यहाँ सोलोमन आ गया। यहाँ पता चलता है कि सोलोमन को एमा सब कुछ बताती रहती थी, यानी दोनों कॉन्टैक्ट में थे। सोलोमन आज इस फैमिली को बचाने आया है। वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। जो कुछ भी वो कर सकता है वो उसने किया। पिटोन से मार भी खाया और उसने जोए और एमा को बचा लिया। इतने में क्लेयर भी होश में आ गई है। पिटोन पर वो झपट्टा मारती है। इस बार की लड़ाई में पिटोन खिड़की से गिर गई। फेंस पर गिरकर उसकी जान चली गई। क्लेयर देखती है कि सोलोमन ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर उसकी फैमिली को बचाया है। बेटर सोसाइटी के लोग अपने ओनर के साथ वफादार होते हैं, ये सोलोमन ने साबित कर दिया। एमा और क्लेयर जोय को सोलोमन के गोद में लेते हैं। सोलोमन जोय को देखकर बड़ा खुश होता है। उसे फिर से क्लेयर ने अपने यहाँ काम पर रख लिया है। ये सभी अब माइकल को संभालने जा रहे हैं, जिससे कि होश आ गया है। बाद में यहाँ पुलिस की टीम पहुँचती है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।